बंगाल में ओबीसी आरक्षण पर कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला आते ही बीजेपी की बांछें खिल गईं, लेकिन दीदी का चेहरा तमतमा उठा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से ही ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण का विरोध कर रही बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी जीत है, तो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका। लिहाजा फैसला आते ही बीजेपी और टीएमसी की तरफ से बयानों की बौछार शुरू हो गई। आज ही कोलकाता हाई कोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। রিজার্ভেশন চলছে চলবে। सीएम ममता बनर्जी अपनी जिद के लिए जानी जाती हैं। उनकी जिद है कि किसी भी कीमत पर बंगाल के सभी मुसलमानों को आरक्षण का लाभ मिले, भले ही उसके लिए संविधान के विधान को तार तार करना पड़े। लेकिन संविधान का प्रहरी न्यायपालिका विधायिका के हर उस फैसले को बदलने या रद्द करने की ताकत रखता है जो देश के संविधान के खिलाफ हो, और कलकत्ता हाईकोर्ट ने यही किया। देखियो, ये मामला मूलतः वहाँ से हुआ है कि 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी प्रोसेस, पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। कोई कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 2010 से 24 के बीच में जितने सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं इसको अभी स्थगन आदेश देने का काम हाईकोर्ट ने किया है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? ताके उपेक्षा करे अपनारा 2011 साले মামাটি মানুষের সরকারকে সমর্থন করে পরিবর্তনের সরকার তৈরি করলেন। সেই দিন থেকে শালবনির মাটিতে উন্নয়নের যে বিপুল কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে সেটা অব্যাহত রাখার ভোট এই ভোট। আপনারা দেখুন, আমি 4 দিন আগে ঝাড়গ্রামে নয়াগ্রামে গেছিলাম। আমি নয়াগ্রামে গিয়ে বলে এসেছিলাম যে ভারতীয় জনতা পার্টি যদি জেতে তাহলে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে তপশিলি মায়েরা, ভাইয়েরা এবং তপশিলি জাতি উপজাতি তালিকাভুক্ত মায়েরা। বঙ্গাল কে মুসলমানো কো আরক্ষণ দেনে কি মমতা ব্যানার্জি কি জেদ আব উনে সুপ্রিম কোর্ট লেকার জায়েগি আর হাইকোর্ট কে ফ্যাসলে কো চুনৌতি দিলবায়েগি। ফিলহাল কলকাতা হাইকোর্ট নে পশ্চিম বঙ্গাল মে করিব 5 লাখ ওবিসি প্রমাণ পত্র रद्द करने का फैसला किया है। हाई कोर्ट के इस फैसले के दायरे में 2011 से लेकर 22 मई 2024 के दरमियान जारी हुए सभी ओबीसी प्रमाण पत्र आएंगे। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने ममता सरकार को आदेश दिया है कि बंगाल में ओबीसी प्रमाण पत्र 1993 एक्ट के तहत बने पश्चिम बंगाल पिछड़ा आयोग की तय प्रक्रियाओं के हिसाब से ही बनाए जाएंगे। और आज कलकत्ता के हाई कोर्ट ने कह दिया साफ, ये जो मुस्लिम रिजर्वेशन है अंडर ओबीसी सब कैटेगरी, ये इसको हम निरस्त करते हैं, ये निरस्त कर दिया जाए। और ये जो 2010 से 2024 के बीच में रिलीजन के नाम पर जो ओबीसी का आपको सर्टिफिकेट दिया गया है इसको भी हम इनवैलिडेट करते हैं।
धर्म को लेकर राजनीति ममता बनर्जी नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी करती है। भगवान श्री रामचंद्र को लेकर राजनीति ममता बनर्जी नहीं करती है, बीजेपी करता है। ये भारत सेवाश्रम संघ हो या रामकृष्ण मिशन हो, इन लोगों को पॉलिटिकल टूल के जैसे इस्तेमाल ममता बनर्जी नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी करते हैं। उनके इलेक्शन कैंपेन का मंच में इन लोगों को बिठाया जाता है। और जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है, ममता बनर्जी इस सब इंस्टीट्यूट को अच्छी तरह रेस्पेक्ट करता है, सबके लिए डेवलपमेंटल काम करता है, लेकिन किसी को पॉलिटिकल इंटरेस्ट में इस्तेमाल नहीं करता है। यही है बेसिक फर्क बीजेपी और तृणमूल में। 2011 में पहली बार मुख्यमंत्री बनते ही ममता बनर्जी ने सूबे की ओबीसी सूची में बड़ा बदलाव किया था। उस वक्त बंगाल की ओबीसी सूची में 108 जातियां शामिल थीं, जिनमें से 55 हिंदू ओबीसी जातियां थीं और 55 मुस्लिम ओबीसी जातियां। लेकिन ममता बनर्जी ने सरकार में आते ही इस लिस्ट में बदलाव किया और इसमें 71 और जातियां जोड़ी गई। हैरानी ये है कि ममता सरकार ने जिन्हें 71 जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल किया, उनमें से 65 जातियां सिर्फ मुसलमानों की थीं, जबकि हिंदुओं की केवल 6 जातियों को नई सूची में शामिल किया गया था। और अब 2024 में बंगाल की ओबीसी लिस्ट में कुल 179 जातियों में से 118 यानी कि करीब 66% मुसलमानों की हैं, जबकि सिर्फ 34% के आसपास हिंदुओं की हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है, उसमें उन्होंने 2010 के बाद में बंगाल में जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट दिए थे वो खारिज करने की बात आप कह रहे हैं। यही बात हमारे ओबीसी कमीशन के सामने आई थी 2023 में फरवरी में। मैं यहाँ के रिपोर्ट यहाँ पे रिव्यू लिया था, तो तब हमने देखा कि 2010 के बाद में 11 में 65 जातियाँ मुस्लिमों की और 6 जातियाँ हिंदुओं की ओबीसी में जोड़ी गई थी। और उसका हमने रिव्यू मांगा था, रिपोर्ट मांगा था कि कौन से आधार पे आपने जोड़ा है, तो सरकार ने हमें लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं दिया। इंडिया गठबंधन का नया नारा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन बंगाल में इसके उलट हो रहा है। पश्चिम बंगाल में मुसलमान आबादी करीब 27% है और हिंदू आबादी करीब 70%, लेकिन 27% आबादी वालों को 66% आरक्षण और 70% आबादी वालों को सिर्फ 34% आरक्षण दिया जा रहा है। अब कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम आरक्षण को लेकर इंडिया गठबंधन की मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।